गाऊंगा। सुखविंदर सिंह है। आपको मालूम है मिस्टर राहुल ने आज मेरे को कोई गुंडक निकाले, आज गुंडक को तोड़े। एवरीबॉडी आजा आजा दिल्ली जोड़े, रात की फटकी फोड़े। कोई गुंडक निकाले, आज गुंडक को तोड़े। अभी आपको डांस करना रेडी। अरे दिल दिल सारा मेरा दिल्ली का तेल, अरे कोड़ी कोड़ी पैसा पैसा पैसे का खेल। आप रेडी रहिए। अरे चल चल सड़कों पे होगी, वन टू थ्री फोर। बाबू ऐसे थोड़ी डांस करते हैं। लुक एट द हैंडसम अंकल, कम ऑन। आप सब गाइएगा, मैं डांस करूंगा। मेरे इनके साथ कंटेस्ट है। वन टू थ्री फोर। यस हे आजा आजा दिल्ली जोड़े, हाथ की फटकी फोड़े। कोई गुंडक निकाले, आज गुंडक तोड़े। अरे दिल दिल तारी रति दी का दे, थोड़ी थोड़ी पैसे 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 का दे। चल चल पूना में होगी धन धन। अरे चल चल पूना में। नाउ लड़कियों बच्चों गर्ल्स, आपको ये कंटेस्ट डबल विन करना है, ओनली गर्ल्स। अरे चल चल पूना में होगी धन धन। यस ओनली बॉयज। अरे चल चल पूना में होगी धन धन। क्या खा गया है उसने? Thank you very much.
Thank you very much. Thanks a lot. Now, thank you very much. सुखी पाजी गा रहे थे पूरे आधे घंटे के लिए गला फाड़ फाड़ के आपके लिए गा रहे थे, सही बात है क्या? चलो सुखी पाजी को रेस्ट दे देते, मैं एक गाना गाता हूं सुखी पाजी, विद योर परमिशन एंड ब्लेसिंग। यस कम ऑन। आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी, बट ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतनी खूबसूरत लड़की के लिए वेट करना बनता है यार। मैं तो जिंदगी भर वेट कर लूँ यार ऐसी लड़की के लिए। भाई और बहनों, आपकी चहेती दीपिका पादुकोण।
प्लीज सगळ्यांनी ते खाली चला, सर्व फोटोग्राफर्स खाली चला, सब लोग स्टेज से नीचे उतरिए प्लीज, एवरीबॉडी प्लीज प्लीज प्लीज, सर्व फोटोग्राफर्स प्लीज स्टेज खाली करा, सबसे पहले स्टेज से उतरिए सब, सब नहीं आप दोनों नहीं, सारे नहीं आप दोनों, सगळे सगळे फोटोग्राफर्स दो 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 विनंती है कि प्लीज स्टेज वर खाली जा मैम प्लीज. ओके, जोपर्यंत सगळे स्टेज वर खाली जात नाही तोपर्यंत काही होत होणार नाहीये. ओके सुनो, सारे स्टेज वरून सगळे जण प्लीज खाली जा. चलिए और मैडम नीचे बैठो. हेलो सर, चलो 1 सेकंड, 1 सेकंड. ओके
प्रेम मध्ये येते सर तुमच्या सांस्कृतिक राजधानी पुणे मध्ये तुम्हाला फार फार स्वागत. थँक यू. मला हिंदी आहे की कोण शब्द मराठी आहे. क्वेश्चन फॉर यू सर फिरोज. I am very happy to see you in this unforeseen circumstances. This was delayed. Now nature had to say it was cruel to us. So it started raining. Proper couldn't land. So it is not at all. They have been extremely supportive. And whatever we have been asking of, they made all means to reach here. But you know what? There was not even proper management for media. To be very honest, we are standing out. So on that behalf, it is our listening. I apologize. कॅमेरा नाही आता सगळ्या Everything was set and we saw some really unforeseen, unprecedented weather actually. We were just about to land in Pune or there were very very dense clouds, bahut hi badal the aur badalon ne dekha ki helicopter mein Deepika aa rahi hai to dekhte hi badal ki phat gayi. To badal phatte to kya hota hai, rain hota hai. To rain hua aur hamare jo pilot saab the, he's an ex air force guy, he is usually a guy who agar problem hai bhi to le lete hain, he handles, he's a very good pilot. Aur unhone bola guys it's too dangerous, we must turn back. काफ़ी सारा टर्बुलेंस था मेरी ऑनेस्टली थोड़ी बहुत यू नो लिटिल जिटर्स इन द स्टमक बट आवर पायलट यू नो ही नोज व्हाट ही इज डूइंग ही सजेस्टेड दैट वी टर्न बैक सो वी हैड टू गो बैक टू बॉम्बे. उसके बाद हेलीकॉप्टर से गाड़ी से प्लेन से गाड़ी में एक और हेलीकॉप्टर में फिर गाड़ी में और फिर आए. बेसिकली वी टुक ऑफ एट 7:30 इन द मॉर्निंग. We couldn't land in Pune because of bad weather, even though we were, I think, just 2 or 3 minutes away. And so then we had to go back 1 hour, land in Bombay again. Then they had to organize for a private plane because I think there are no like commercial flights. I think we had already, there was no commercial flight at that time. So then we had to wait for that to be organized. Then that was organized. So then we landed in Pune. Then there was another chopper that we had to take. You know, often rain plays spoil sport. Like the other night, like 2 days back, I had to shoot, I was very tired, but I stayed up to watch the tennis finals, and that got rained out, and I missed that. So it often happens, you know, you plan something nice and positive, and then you know, unforeseen weather will create a ruckus. And that's what happened today. But we're really sorry. As disappointed as y'all are, we're equally disappointed. For several reasons, because this is really the kickstart of the Bajirao Mastani campaign, and we were really looking forward to this. And I will give the team credit and say that they've worked round the clock over the last 2 or 3 weeks to put this together. It's not easy to put together a scale of this an event of this size, and we were disappointed because we had I think we had everything ready. And we were looking forward to seeing these little kids from school do this, put up this activity. But I believe that also, I think they have school tomorrow and they also had to leave. So then we sort of all agreed that we'll go ahead and do it
anyway without us being there, instead of delaying the whole thing further. And I think some of the kids, we managed to see them. They were in the school bus and they were going, so we stopped and we waved at them. And hopefully from our next event, I think we play it safe and keep it in Bombay. Who has told you this? I want to know. You believe a lot of the reports that you write. मेरी मजा लेके मैं भंसाली सर के सेट पे लेट जाऊँ. हाँ मैं लेट जा सकता हूँ, पर मैं लेट नहीं जा सकता. संजय सर के पास बहुत काम है यार, कल फिर से शूट है हमारी, तो he's just prepping for that. And he's totally into the zone now, you know. पिक्चर के अलावा और कुछ सोच नहीं सकते. तो इसे आप लोग अपना मस्त गजानन आरती का गाना लॉन्च करें. I'll just prep for tomorrow shoot. How was the performance on the stage? The energy was amazing. You know, it totally I thi with a lot of drums and they passed one drum onto the stage. Wo tut 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 tut. So it was a lot of fun to do that. Yeah, मैं थोड़ा उंगली कट गया करते करते. But it was a lot of fun. They had great energy. We had some young girls as well as part of the Toli and they were really. That's the first time I haven't seen that. You know, वो एक लड़की तो ऊपर चढ़ चढ़ के ऐसे डूम 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 डूम. Hey, she was leading the whole thing. It was wonderful to see. Fantastic energy, so much excitement from the crowd. And it was a good time. It was. I'm glad we made it. So we could have this sort of crowd interaction. You know, I love those. And I had a blast. Dips, you? Big one. Yeah. Sir, so tell us something about the song. What are we all here for? Well, it's the Gajanan Aarti. Mr. Bhansali thought it would be a wonderful thing to start the promotional campaign of Bhatira Mastani with Ganesh Aarti. जैसे कि बोलते हैं कि हर चीज़ का शुभारंभ श्री गणेश का नाम लेके करते हैं. So we thought it would be quite appropriate to start a promotional campaign with launching the first song being Gajanan Aarti. So Sukhi Paji sung it, and I have to say the drum beats and Sukhi Paji's voice really gives it that power. And I think it's a wonderful time. The timing of its release is absolutely right. So right thing at right time. Yeah, everyone is reveling in the festivities of Ganesh Chaturthi, and it's a great time. I'm sure people will love this. What are you standing on? They're in the mood for it. Also, apart from your film, have you ever done Ganpati dance? Yeah. अरे मैंने तो बहुत किया है, मैंने मैं आज भी करता हूँ. मैं गाड़ी में जाता हूँ, कोई बड़ी सी टोली हो ना विसर्जन पार्टी, और ये लोग मस्त मगन में नाच रहे हैं, मैं तो उतर के नाच लेता हूँ. आई लव विसर्जन पार्टी. अक्सर देखा जाता है कि मुंबई में जब भी गणपति आते हैं बहुत सारा ट्रैफिक भी हो जाता है और आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में तकलीफ होती है, तो क्या आप लोग भी उस टीम का पार्ट बन जाते हैं? कभी देखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ फेस्टिविटीज, आई थिंक For most families, at least for our family, Ganpati and Diwali are the two main festivals. And we don't bring the idol home, but there is obviously celebration at home. My parents come to Bombay or I go to Bangalore, and we spend Gauri and Ganpati the 2 days together. But in a very simple, quiet way, not too noisy. Can we request you to sing a few lines of the Aarti? Sure. I don't think this would be the appropriate place to do that. सुप्रिंदर की आवाज आप अच्छी निकालते हैं. दीपिका आप निकाल पाएंगी सुखी पाजी की आवाज? आई कैन ट्राई एंड कॉपी यू. लंबोदर तू विनायका तू है यार, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. हाँ यार, जैसे कि अभी आपने कहा ट्रैफिक बहुत होती है मुंबई में, तो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 2-2.5 आवर्स ऑन द रोड, आई'd rather use that time, you know, to devote to my, you know, physical
12 घंटे शूट होती है उसके पहले और think, उसके बाद व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली सो इफ यू सेव टाइम कम्यूटिंग देन यू कैन जस्ट बी मोर फोकस्ड ऑन योर वर्क सो इट्स बीन गुड इट्स रियली हेल्प मी अ लॉट रणवीर और दीपिका फिल्म शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले से क्लैश हो रही है और ना आप लोगों की डेट चेंज हुई ना उनकी फिल्म की डेट चेंज हो रही तो इसके बारे में आप दोनों क्या कहना चाहेंगे कि दोनों बिग बजट फिल्म है और दोनों एम्बिशियस फिल्म है तो क्या दोनों फिल्मों को टकराना चाहिए बॉक्स ऑफिस पे क्योंकि नुकसान होता है एक फिल्म को हमेशा I don't think I understand the commerce enough to say from a business point of view whether it affects the business of either of the films. I don't think I know enough about that to say that. But I can definitely say that we are coming on the 18th of, Bajirao Mastani is releasing on the 18th of December, and I think that's a date that we had announced about 1.5-2 years ago. And I mean, even if they are, I have no idea when they are releasing. I'm going by what you're saying, and you're saying that they're releasing on the 18th as well. I think there's place for any kind of film. I think both, I'm assuming that I've worked with Rohit in the past as well, and I know they're two very different kinds of filmmakers. They do different kinds of films, and I'd like to believe that there's space for everyone and for every kind of film. शाहरुख खान है काजोल है रोहित शेट्टी का कॉम्बिनेशन है आपका क्या टेक है इस बारे में मतलब आपने संजय लीला भंसाली के बारे में डिस्कस किया कि फिल्म आगे पीछे करनी चाहिए यार मुझे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है मैं एक्टर हूँ मैं एक्टिंग करता हूँ उसके अलावा और उसके बावजूद मुझे कुछ नहीं आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव बीन वेरी वेरी एनग्रॉस्ड इन द मेकिंग ऑफ द फिल्म इट्स बीन अ वेरी वेरी डिमांडिंग फिल्म इट्स बीन अ वेरी एग्जॉस्टिंग फिल्म सो मच सो दैट लाइक ही सेड अर्लियर वी आर ऑल इवन स्टेइंग एज क्लोज टू लोकेशन एज पॉसिबल टू सेव दैट मच टाइम वी आर शूटिंग 16-18 आवर्स अ डे एंड यू नो आई डोंट थिंक दैट आई थिंक एज एक्टर्स आई डोंट थिंक वी गेट इन्वॉल्वड in the decisions of how a film should be marketed or when it should release or which film it should come with or not come with. I think as actors, our job is to do our work as actors, do that well and leave the rest to the professionals who know what they're doing. उनके अगेंस्ट फतवा जारी किया गया है क्योंकि उन्होंने मोहम्मद नाम की फिल्म में म्यूजिक किया तो आप क्या कहेंगे जो आर्टिस्ट होते हैं उनको एक इजी टारगेट होते हैं ये फतवा जारी करना ठीक है और रजनीकांत को भी क्या सही है आर्टिस्ट को टारगेट करना ऐसे फर्स्ट का लॉन्च हो रहा है तो आप मराठी में गाने के बारे में कितना एनर्जेटिक है Which one are you responding? I don't know. Is it okay to target the artist? ऐसे फसले जारी करके जो उनकी फिल्म को बैन कर दिया जाना सही है? I wouldn't comment on that. I wouldn't comment on that. I don't know what is happening. दीपिका आ ले आ ले वीर धुरंधर बाजीराव पेशवा आलेले आहे Namaskar, I'm Ranveer Singh. Hi, this is Deepika Padukone and we'd like to wish all the viewers a very happy Ganpati. Ganpati Bappa. Gloria! Thank you. रणवीर 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 एक्स्ट्रा छोटा भाई
मैंने पूछा, अरे रुको रे,